हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही सुंदर टॉप, और ये स्ट्रैप वाला टॉप है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए शुरू करते इसे बनाना। सबसे पहले हम इसकी बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी बनाने के लिए फैब्रिक को आपको दो बार फोल्ड कर लेना होगा, फिर हाइट मेजर करना होगा। यहाँ मेरी 14 इंच की तैयार नाप रहेगी बॉडी की, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी जो मेरा मार्जिन के लिए जाएगा। तो 15 इंच पर हमने पॉइंट मार्क किया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कट कर लेंगे। अब हम ऊपर शोल्डर का मार्क करेंगे। तो फोल्डेड साइड से हमने शोल्डर का मार्क किया 7 इंच का, आर्महोल का हमने 7 इंच का पॉइंट मार्क किया है। इन दोनों ही पॉइंट को स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम चेस्ट ब्रेथ का मेजर लेंगे। आपका जितना भी चेस्ट ब्रेथ है 4 से डिवाइड कर लीजिए, 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्महोल का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम नीचे वेस्ट राउंड का मेजर रखेंगे। तो आपका जितना भी वेस्ट राउंड है 4 से डिवाइड कर लीजिए, 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 8.5 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 8.5 इंच पे पॉइंट मार्क किया है। और फिर चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ नेक की डीपनेस मार्क करेंगे। तो यहाँ मेरी 7 इंच है और हम यहाँ नेक का विड्थ मेजर करेंगे तो 4 इंच है। और हम स्ट्रैप कितना इंच का बनाएंगे वह हम मेजर करेंगे। तो मेरा यहाँ स्ट्रैप रहेगा 4.5 इंच का, तो हम नीचे की तरफ 4.5 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे। और फिर स्ट्रैप आपका कितना इंच का रहेगा, आप आधे इंच का भी बना सकते हैं, यहाँ आधे इंच का कम का भी बना सकते हैं, या 1 इंच का भी बना सकते हैं। या मैं आधे इंच का बनाऊंगी, तो हम बाहर की ओर आधे इंच पे इस तरीके से एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर हम ये पॉइंट अपने नेक की तरफ इस तरीके से हल्का सा घुमाव शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे, और आर्महोल की तरफ भी ज्वाइन कर लेंगे। और ऊपर का जो आपका फैब्रिक बचेगा उसे आप कुछ भी रीयूज कर सकते हैं स्ट्रैप या नेक के लिए। अब हम इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से हमने यहाँ कट कर लिया है। इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों ही कट कर लिया है। अब दोनों ही पार्ट के लिए हम नेक की पट्टी कट करेंगे, तो इसी शेप में कट करेंगे। सिर्फ जो हाइट रखेंगे वो हम एटलीस्ट 4 इंच की रखेंगे। आप चाहो तो फुल बॉडी की हाइट रख सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने 4 इंच का रखा है फ्रंट और बैक दोनों के लिए। और मैंने यहाँ स्ट्रैप भी तैयार कर लिया है दो बार फोल्ड करते हुए, दो स्ट्रैप। तो सबसे पहले हम बॉडी को सीधा रखेंगे और स्ट्रैप को उसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो नेक की पट्टी बनाया था वो हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और हम ऊपर से जॉइन कर लेंगे, और स्ट्रैप भी हमारा साथों साथ जॉइंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ जॉइन कर लिया है। अब हम ऊपर से हल्का हल्का कट्स देंगे ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई भी आपके झोल ना आए। अब हम यहाँ फ्लिप कर लिया है और हमारा स्ट्रैप और नेक की जो पट्टी है वो अटैच हो गई है, और बहुत ही फिनिशिंग तरीके से लुक आया है। ऊपर से आप टॉप स्टिच दे दीजिए, और बैक साइड की जो पट्टी थी उस पर आप डबल फोल्ड करते हुए बाद में तुरपाई दे सकते हैं। एंड ऊपर से टॉप स्टिच देने के बाद आप इसके ऊपर इस तरीके से ट्रायंगल वाली लेस लगा लीजिए ताकि ये ड्रेस आपका काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करे। अब हम यहाँ बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट की भी नेक की पट्टी को अटैच करेंगे, लेकिन हम स्ट्रैप के साथ इसे अटैच करेंगे। तो सेम उसी तरीके से रखना होगा, फ्रंट बैक पार्ट का जो हिस्सा है वो आप सीधा रखिए और उसके ऊपर जो पट्टी है वो आप उल्टा रखिए, और पट्टी को इस तरीके से अंदर डाल दीजिए और ऊपर से आपको आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब सिमिलरली जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे कट लगाया था, इसी पे भी आपको हल्का हल्का इस तरीके से नेक की तरफ ऑल ओवर कट्स देना होगा। एंड अब आप इसे फ्लिप कर लीजिए। फ्लिप करने के बाद बैक साइड पे भी आपको ऊपर टॉप स्टिच दे देना होगा। वैसे किसे मेरी बॉडी रेडी है। अब हम यहाँ नीचे घेरा प्रिपेयर करेंगे। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए हमने फैब्रिक को दो बार फोल्ड कर लिया है, सबसे पहले लेंथ वाइज फिर ब्रेथ वाइज। फोल्डेड साइड से आपको वेस्ट राउंड मेजर करना होगा, जैसे कि हमने अपने बॉडी पे लिया था 8.5 इंच, तो वैसे ही घेरे पे आपको 8.5 इंच लेना होगा। फिर आप हाइट देख लीजिए, आपको जितना भी लंबा कुर्ता बनाना है, या मैं शॉर्ट बना रही हूँ। और ओपन साइड से हमने 10 इंच पे पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि हमें नीचे घेरे को एक शेप देना है, नीचे से पूरा हमारा वी शेप आएगा। अब आपको इसे
तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा। जो हमने 10 इंच का पॉइंट मार्क किया था और वेस्ट राउंड का पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा। और जो लंबाई है घेरे की, वहां से और आपको 10 इंच के पॉइंट से इस तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा। इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो नीचे का जो घेरे का हिस्सा आएगा वो वी शेप में आएगा। अब आप इन मार्किंग को कट कर लीजिए। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपका ऊपर से भी फोल्डेड साइड आएगा, वो भी आपको कट कर लेना होगा। अब आपको दो हिस्सा मिलेगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। दोनों ही पार्ट की किनारी हमारी ओपन रहेगी तो उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से मोड़ लेंगे दोनों ही साइड से ऑल ओवर। एंड साथ ही साथ हम इस तरीके का लेस लगा लेंगे जो हमारे ड्रेस को काफी ज्यादा इन्हांस करेगा। तो यह हमने फ्रंट और बैक दोनों ही प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और हम अपने नीचे घेरे को इस तरीके से उसके ऊपर उल्टा रखते हुए आधे इंच की दूरी पे सिलाई दे देंगे। इसी तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों ही घेरे को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें ऊपर बॉडी भी अटैच कर लेना होगा और ये सुंदर सा ड्रेस मेरा रेडी हो गया। गाइस आप देख रहे हैं नीचे वी शेप आया है और ये स्ट्रैप वाली कुर्ती मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे भी सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।